सो हे गाइज, वेलकम बैक टू टेक विद रोशन। तो गाइज कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइज, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर रील वीडियो पोस्ट करते हो या फिर फोटो पोस्ट करते हो या फिर आपका कोई पेज है जिसपे आप फोटोज या फिर वीडियोज डेली पोस्ट करते हो, तो गाइज ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग अब इंस्टाग्राम पे पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हो। जी हाँ गाइज, आप लोगों ने सही सुना, अब आप लोग इंस्टाग्राम पर फोटोज या फिर वीडियोस को शेड्यूल पोस्ट लगाकर उसे पोस्ट कर सकते हो। तो गाइज अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि कुछ मंथ पहले इंस्टाग्राम की तरफ से ऑफिशियली ये बोला गया था कि वो लोग जल्द ही इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेड्यूलिंग का ऑप्शन लाने वाले हैं, जो कि अभी इंस्टाग्राम पर ये ऑप्शन आ चुका है। तो गाइज अभी आप लोग अपनी आईडी चेक करने मत चले जाना, क्योंकि अभी आप लोग की आईडी पर ये ऑप्शन नहीं आया होगा। तो गाइज इसके बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे कि आप लोग अपने आईडी पर शेड्यूल कंटेंट का ये ऑप्शन कैसे ला सकते हो। इस ऑप्शन को चेक करने के लिए आपको अपने प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। प्रोफाइल के सबसे ऊपर में आपको 3 लाइंस दिखाई दे रहे होंगे, इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे सेकेंड में शेड्यूल कंटेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो गाइस अभी बात कर लेते हैं कि जिन लोगों को शेड्यूल कंटेंट का ये ऑप्शन मिल जाएगा या फिर मिला हुआ है, वो लोग अपने पोस्ट को शेड्यूल कैसे कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है और ऐसी यूजफुल वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती है। और हाँ गाइस, वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे कि आपको सारे प्रोसेस समझ में आ जाए। तो गाइस अपडेट के बाद इंस्टाग्राम ने अपने ऐप में स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो फंक्शन होता है उसे बैन कर दिया है। बट ऐसा नहीं है कि आप इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे, लेकिन जब आप पोस्ट करने जाते हो वहां से लेकर वीडियो के या फिर फोटो को पोस्ट करने तक इसे बैन कर दिया गया है स्क्रीन रिकॉर्डिंग को। तो गाइस यहां पे मैं आप लोग को दूसरे मोबाइल से रिकॉर्ड करके समझाने वाला हूं कि आप लोग इंस्टाग्राम पर शेड्यूल पोस्ट कैसे कर सकते हो। सिंपली हम यहां से पोस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और अपनी गैलरी में जाकर किसी भी एक फोटो को सिलेक्ट करते हैं जिसे हमें पोस्ट करना है। यहां से मैं एक पिक को सिलेक्ट कर लेता हूं, तो मैं इस पिक को यहां से सिलेक्ट करता हूं और ऊपर आपको साइड में एरो का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। एरो के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर एक एरो आएगा, फिर से आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको राइट ए कैप्शन लिखने के लिए बोला जा रहा है, जो कि आप नॉर्मली पोस्ट करते हो उस तरह से लिख देना है। गाइस यहाँ पर आपको कोई भी शेड्यूलिंग पोस्ट करने का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इसके लिए आपको सबसे नीचे आना है और यहाँ पे आपको एडवांस सेटिंग का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर आप लोग को क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो आपके सामने सबसे फर्स्ट में शेड्यूल द पोस्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ से आपको इस बटन को ऑन कर देना है। जैसे ही आप बटन को ऑन करते हो आपके नीचे जो पोस्ट को शेड्यूल करने का वो ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि आज का जो डेट है 28 दिसंबर वेडनेसडे, और उसके साइड में आपको यहाँ पे जो डेट है वो और जो एएम और पीएम वो सभी आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो हमारे मोबाइल में 5:42 हो रहा है, तो मैं यहाँ पे 5:50 का एक पोस्ट लगा देता हूँ। मैंने यहाँ पे टाइम सिलेक्ट कर लिया है, अब आपको नीचे डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आप जो ऊपर देख सकते हो कि हमारा जो पोस्ट है वो शेड्यूल हो चुका है और यहाँ पे टाइम भी दिखा रहा है। तो गाइस शेड्यूल पोस्ट में प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैंने जो टाइम सेलेक्ट किया था वो 5:50 था और यहाँ पर जो मेरा पोस्ट होने वाला है वो 6:02 पर होने वाला है। तो गाइस मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इंस्टाग्राम अपडेट लाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। यहाँ से हम इस पेज को बैक कर लेते हैं और आपको ऊपर में एक ब्लू कलर का जो राइट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो गाइस अब जो आपका पोस्ट है वो पूरी तरह से शेड्यूल हो चुका है। तो गाइस आगे जो आप लोग क्लिप देखने वाले हो वो क्लिप पहले ही रिकॉर्ड कर ली गई थी, और इंस्टाग्राम में कुछ प्रॉब्लम के कारण मुझे ये जो क्लिप है वो दोबारा से दूसरे मोबाइल से रिकॉर्ड करनी पड़ी है। तो गाइस आप लोग को उस क्लिप के टाइमिंग पर ध्यान नहीं देना है, बस आप लोग को इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ लेना है। तो गाइस हमारा जो पोस्ट है वो यहाँ पे शेड्यूल के लिए तो लग चुका है, लेकिन अगर हमें उसमें कुछ एडिट करना हो या फिर कुछ चेंजेस करना हो तो आप उसमें फिर से कैसे चेंजेस कर सकते हो, इसके लिए आपको सीधे अपने लाइक के बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। तो आपने जो अभी पोस्ट को शेड्यूल में लगाया है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा होके आ जाएगा। और अगर आप इसमें कुछ एडिट करना चाहते हो तो आपको ऊपर में 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप 3 डॉट के ऊपर क्लिक करते हो आपके सामने कुछ ऑप्शन यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि फर्स्ट में आपको एडिट पोस्ट, सेकेंड में रीशेड्यूल, थर्ड में शेयर नाउ और फोर्थ में आपको डिलीट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप अपनी पोस्ट को एडिट कर सकते हो, उसे रीशेड्यूल कर सकते हो, यानी कि आपने जो टाइम लगाया उसे चेंज कर सकते हो, और उसी के साथ आप शेयर नाउ पर क्लिक करोगे तो वो पोस्ट अभी ही पोस्ट हो जाएगी। शेड्यूल पोस्ट को चेक करने के लिए यहाँ पे एक दूसरा तरीका है, जो कि आपको अपने प्रोफाइल में जाना है, ऊपर के 3 लाइंस पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे सेकेंड में जो शेड्यूल कंटेंट का ऑप्शन देख रहे हैं इसके ऊपर आप जब क्लिक करते हो तो आपका जो सामने जितनी भी पोस्ट आपने शेड्यूल किए होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से भी जाके आप एडिट कर सकते हो। तो गाइज अभी तक आप लोगों ने देखा कि आप लोग जो इंस्टाग्राम पर अपने पोस्ट को शेड्यूल कैसे कर सकते हो या फिर जो पोस्ट आपने शेड्यूल किया है उसे एडिट कैसे कर सकते हो। तो गाइज अभी आप लोग के माइंड में कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे कि आप लोग को ये शेड्यूल पोस्ट का जो ऑप्शन है वो कब तक मिलेगा या फिर मुझे ये जो ऑप्शन है वो कैसे मिल गया। तो गाइज इस वीडियो में मैं आप लोग को इस डाउट को भी क्लियर करने वाला हूँ, तो चलिए आप लोग को बताता
बताता हूँ कि मुझे जो ये शेड्यूल कंटेंट का ऑप्शन है वो कैसे मिला। तो देखो गाइज, आप जो इंस्टाग्राम यूज करते हो वो नॉर्मल इंस्टाग्राम यूज करते हो, लेकिन मैं जो इंस्टाग्राम यूज करता हूँ वो इंस्टाग्राम का बीटा वर्जन यूज करता हूँ। तो गाइज, मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को मेरी ये बात समझ में नहीं आई होगी। तो इसके लिए आपको सिंपली अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे इंस्टाग्राम को सर्च कर लेना है। और गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो इंस्टाग्राम है वो इंस्टाग्राम का बीटा वर्जन है। तो गाइज, जिन लोगों को बीटा वर्जन के बारे में नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि बीटा वर्जन आपको फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स को आपके मोबाइल पे पहले ही ला देती है। इसका मतलब है कि आप किसी भी अपडेट को ऑफिशियली लॉन्च होने से पहले ही इस्तेमाल कर सकते हो। तो गाइज, अगर आप लोग भी इसके बीटा वर्जन को ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे प्रोसेस बता रहा हूँ, आपको बस ऐसे करना है और आप लोग भी इसमें ज्वाइन हो जाओगे। यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम के बीटा वर्जन में पहले ही ज्वाइन हो चुका हूँ, तो इसलिए मैं आप लोग को दूसरा ऐप सर्च करके दिखाने वाला हूँ कि आप लोग ज्वाइन कैसे कर सकते हो। यहाँ से मैं प्ले इट ऐप को सर्च कर लेता हूँ और गाइज, इसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे ज्वाइन द बेटा का एक ऑप्शन आ रहा है और उसके नीचे आपको ज्वाइन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो जैसे ही आप ज्वाइन के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे आपको कैंसिल और ज्वाइन करने का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली आपको ज्वाइन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ज्वाइन के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा, ज्वाइनिंग बेटा, एडिंग योर अकाउंट टू द प्रोग्राम, इट मे टेक अ फ्यू मिनट्स। तो गाइज, ऐसा करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो इंस्टाग्राम के बीटा वर्जन में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको जो फ्यूचर के अपडेट्स है वो पहले ही आप लोग को मिलने लगेंगे। तो गाइज, रही बात शेड्यूल पोस्ट की, तो कुछ मंथ के बाद सभी लोगों के अकाउंट में ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम का बीटा वर्जन ज्वाइन कर रखा है तो आपको इसके चांसेस ज्यादा है कि आप लोग को ये ऑप्शन पहले मिल जाए। तो गाइज, अगर आप लोग को इंस्टाग्राम पर शेड्यूल कंटेंट का ये ऑप्शन मिलता है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएगा। और गाइज, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।